स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी वीडियो रहेगी वो प्रॉपर रहेगी ग्रेड सब कंक्रीट के ऊपर। तो आज हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा IS 456-2000 कोड है उसमें जो अमेंडमेंट हुई थी, फोर्थ अमेंडमेंट हुई थी, उसके पहले और उसके बाद में जो ग्रेड सब कंक्रीट थी उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खासकर जो हमारा अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसको मैं प्रॉपर आपके साथ क्लियर करूँगा कि जो ग्रेड्स वगैरह उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और क्या क्या कोड में चेंजेस आई हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जो IS 456-2000 की अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूँ तो कौन सी अमेंडमेंट में ये सब चेंजेस आई थी, तो फोर्थ अमेंडमेंट में ये चेंजेस आई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ जाता है आपके एग्जाम में कि IS 456-2000 में जो ग्रेड्स चेंज किए गए हैं, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट जो हैं, तो वो कौन सी अमेंडमेंट में चेंज किए गए हैं, तो फोर्थ अमेंडमेंट में चेंज किए गए थे। अब बात कर लेते हैं इसके जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं पहले। तो इसको अगर हम बात करें तो तीन कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें तो ऑर्डिनरी कंक्रीट, उसके बाद मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अगर हम ऑर्डिनरी कंक्रीट की बात करते हैं इसको हम लोग ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट को आपको कुछ बुक्स में अगर हम बात करें तो इसको आपको मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है हमारी, इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अगर हम बात करें तो RCC वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारी जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है इसको हम यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेस्ड जो कंक्रीट होती है उसमें यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की कि कौन कौन से ग्रेड रखे गए थे अगर हम बात करें फोर्थ अमेंडमेंट से पहले। जो IS 456-2000 की फोर्थ अमेंडमेंट हुई थी उससे पहले जो कौन कौन से ग्रेड थे उनको क्लासीफाई किया गया था, तो उसकी क्लासीफिकेशन देख लेते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर करा सकें। ऑर्डिनरी कंक्रीट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के बारे में अगर हम बात करें तो इससे जो हमारी फोर्थ अमेंडमेंट से पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्रॉपर बिफोर फोर्थ अमेंडमेंट, तो ये हमारा M10 से M20 तक के ग्रेड थे। तो M10 इसमें इंक्लूड हो जाता है, उसके बाद में M15 और M20, तीन ग्रेड्स आते थे इसमें अगर हम बात करें ऑर्डिनरी कंक्रीट में। तो ये किस में आते थे, ये हमारे जो थे M15 और M20, ये हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट में आते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो M क्या है, हमारा मिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 10 क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है इसकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अगर हम बात करें तो इसको आप जनरली इसका अगर हम बात करें तो मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर इसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट को अगर हम बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट भी बोलते हैं। तो इसके अंडर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो M25 से लेके M55 तक के ग्रेड्स रखे गए थे। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से ग्रेड इंक्लूड हो जाएंगे, M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55। अगर टोटल अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितने ग्रेड्स आ गए हमारे, 7 ग्रेड्स आ गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 7 ग्रेड्स आ जाते हैं। अगर आप इनको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एक तो हमारा 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, उसके बाद 40 आ गया, 45 आ गया, उसके बाद 50 आ गया और 55 आ गया, तो टोटल 7 हो गए हमारे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो M60 से लेके M80 तक के आ जाते हैं। तो 60 इसमें आ जाएगा, उसके बाद अगर बात करें 65, 70, 75 और 80 इसमें आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि बिफोर फोर्थ अमेंडमेंट में अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कंक्रीट का जनरली आपको पूछा जाता है कितने ग्रेड्स थे इसमें, तो 7 ग्रेड्स थे इसमें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि अमेंडमेंट होने के बाद में जब IS 456-2000 की फोर्थ अमेंडमेंट होती है उसके बाद क्या चेंजेस आती हैं इसमें, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर फोर्थ अमेंडमेंट, तो प्रॉपर टेबल बनाए हुए मैंने आपको, अलग अलग टेबल बनाए हुए हैं, एक टेबल यहाँ पे आपने देखा भी, अब हम दूसरा देखेंगे कि चेंजेस क्या आई। तो चेंजेस अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में कोई भी चेंजेस नहीं आई, आप देख सकते हो M10 to M20, तो वही तीन ग्रेड्स पहले थे हमारे पास M10, 15 और 20, वही उसमें रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैंडर्ड कंक्रीट और ये हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इन दोनों में चेंजेस आई हैं।
स्टैंडर्ड कंक्रीट में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इसको M25 से M60 तक ले चला गया। तो इसमें क्या है कि जो हमारा हाई, पहले अगर हम बात करें बिफोर फोर्थ अमेंडमेंट की बात करें, तो फोर्थ अमेंडमेंट होने से पहले अगर बात करें तो M60 किस में आता था, हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता था। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे जाके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो M60 था ये किस में आता था, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता था। लेकिन आफ्टर फोर्थ अमेंडमेंट होने के बाद में जो M60 है वो किस में इंक्लूड हो गया, स्टैंडर्ड कंक्रीट में इंक्लूड हो गया। तो अगर हम आप बात करें तो स्टैंडर्ड कंक्रीट के कितने ग्रेड्स होंगे, तो आप 8 हो गए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कितने थे, 7 थे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो आप 8 हो गए। तो आप इनको देख सकते हो M25, M30, उसके बाद M35, 40, 45 और हमारा 50, 55 और 60। तो ये आप अगर हम बात करें तो टोटल कितने, 8 ग्रेड्स हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड कंक्रीट में 8 ग्रेड्स हो चुके हैं आफ्टर फोर्थ अमेंडमेंट के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात करें तो ये कहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, 65 से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिला है, अगर हम बात करें तो पहले इसमें M60 इंक्लूड किया जाता था हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, अब वो चला गया है स्टैंडर्ड कंक्रीट में और ये 65 से स्टार्ट होता है। और पहले अगर हम बात करें तो M60 से लेके कहाँ तक था, M80 तक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से M60 टू M80 तक था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो कहाँ से M65 से लेके M100 तक है। तो अब हम जो हम M100 तक की जो कंक्रीट है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कंसीडर करते हैं। तो M को आपको ध्यान में रखना है, M क्या है, मिक्सर हमारा, ठीक है। तो ये 10 आ गई हमारी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाती है। तो ये प्रॉपर अगर जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मिक्स क्या होता है, तो ये प्रॉपर हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं इसी चैनल पे आपको अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। जनरली अगर मैं वीडियोस की रेंज की बात करूं तो लेस देन 10 मिनट्स ही रहेंगी सारी वीडियोस अभी जो आएंगी हमारे पास। अगर आपको स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए होंगे तो उसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम नीचे वो भी बना लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी के रिलेटेड हम लोग इसमें वीडियोज़ लेके आएंगे। आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आपके जो डाउट्स वगैरह थे इसके रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। और जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम्स में आपको जो पूछा जाता है ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एक तो आपको याद रखना है कि जो अमेंडमेंट हुई थी किसमें हुई थी, फोर्थ अमेंडमेंट में हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कंक्रीट के पहले कितने ग्रेड थे, 7 ग्रेड्स थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए हैं। उसके बाद में M60 का आपको ध्यान रखना है, M60 अब किस में शिफ्ट हो गया, स्टैंडर्ड कंक्रीट में शिफ्ट हो गया। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट अब कहाँ तक है, 100 तक है, पहले कहाँ तक होता था, 80 तक होता था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस से हेल्प ले सकें। तो गाइस आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।